हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। यार, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं ये कोरोना वायरस के ऊपर। लेकिन यार, कल मैंने एक वीडियो देखा जो कि इटली का था, वहाँ के लोगों के ऊपर था। तो यकीन मानिए आप, मुझे वीडियोस देखते देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने देखा कि यार क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, हम क्या कर रहे हैं। हमारा जो ये भारत देश है, या फिर ऑल वर्ल्ड की बात करें हम, अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि यार हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा गाइज। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात को नॉर्मल तरीके से लेना है कि नहीं कुछ नहीं है कोरोना, ऐसा नहीं है यार। ये कोरोना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। देखिए गाइज, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं करूँगा, लेकिन जो आपको मैं बातें बताऊँगा यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। आपको प्लीज़ यार, जो मैं आपको बातें बताऊँ उन पर जरा फोकस करना, ठीक है। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता यार कोई भी जो मेरा भाई है, या फिर मतलब कि किसी को बीमारी हो, ये कोई भी तकलीफ में रहे, मैं नहीं चाहता यार, ठीक है। मैं क्या कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन मैं वीडियो सिर्फ आप सबके लिए बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरी वीडियो कितनी जाएगी, कितनी आप शेयर करो, कितना शेयर नहीं करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। और यार वो काम आपका है, आप ये वीडियो कितना में शेयर करते हो। देखिए गाइस, ये कोरोना नाम की जो बीमारी आई है हमारे इंडिया में, अब आ चुकी है, आप जानते हो इस बात को। मैंने ये है कि आपको कैसे मालूम पड़े ये बीमारी आपको है या नहीं है, कुछ ज़्यादा तो कुछ ऐसे हैं हमारे मतलब इंडिया में, इसको ये नहीं पता कि बीमारी होती कैसे है, कैसे नहीं होती, किसी को तो किसका नाम भी नहीं पता है। तो गाइस देखिए, ये कोरोना नाम की जो बीमारी अभी आई है, ये भी जो चाइना से आई है, ठीक है। चाइना जो एक देश है हमारा, वहाँ से, वुहान नाम का शहर है, वहाँ पे वुहान नाम का, वहां से स्टार्ट हुई थी बीमारी ये। और चलते चलते ये 128 देशों में बीमारी फैल चुकी है, इसमें हमारा इंडिया भी काउंट होता है, जिसके इंडिया में मतलब बीमारी आ चुकी है हमारे इंडिया में ये, ठीक है। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक कोरोना नाम की जो बीमारी है उसके फोटोज हैं ये। कोरोना जो बीमारी होती है हमारे शरीर पे दांत से हो जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और इसका इलाज, कुछ कह रहे हैं कि इलाज मिल गया है, कुछ कह रहे इलाज नहीं मिला है। तो आपको मैं बता दूं गाइस, इसका इलाज है भी और नहीं भी, लेकिन जो प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए वो इलाज अब तक नहीं मिला है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, इसका जो प्रॉपर इलाज अब तक नहीं मिला है। और यार आपको जागरूक होने की जरूरत है अभी, अगर आप अब जागरूक नहीं होगे तो कभी नहीं होगे, ठीक है। देखिए जो बीमारी अभी ये इंडिया चाइना से आई है, इस पे अगर हम सब साथ होंगे तो हम इससे लड़ सकते हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है इस बीमारी से, ठीक है। तो देखिए गाइस, मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको एक मास्क खरीदना है, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक मास्क आता है, आप दुकान से ले सकते हैं आराम से, मेडिकल स्टोर से। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको एक मास्क खरीद लेना है गाइस, ताकि आप सेफ रहें। क्योंकि मुझे पता है कि कई जो हमारे भाई हैं, ठीक है, हमारी बहनें हैं, बाहर जाती हैं घर से, तो प्लीज मास्क पहन के जाएं, ठीक है। इससे आप क्या रहेगा, आप सेफ रहोगे। अगर आपके सामने कोई ऐसा जिसको ये लक्षण है, जिसको इससे बीमारी से पीड़ित है, आप उसके मतलब संक्रमण में नहीं आओगे, आप उससे बचाव आपका रहेगा, ताकि जब आप ये मास्क लगा लेते हो। क्योंकि ये क्या है, जब आप छींकते हो, आपके जो छींकने से जो टिश्यूज, आपके जो वायरस जो आपके नाक से निकलता है ना, जो बूंदे निकलती है, उनसे ये ज्यादातर फैल रहा है, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी आई है गाइस इंडिया में, जो कि मतलब कि बहुत जल्दी से फैल जा रही है इंसानों से इंसान, मतलब कि इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान की बीमारी 1 मिनट से पहले ले लेता है यहाँ पे। ऐसी बीमारी है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि हवा में चल रही है, नहीं, हवा से नहीं चल रही है। जो लोग बाहर से आते हैं, चाइना से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, खासकर विदेशी लोग जो होते हैं, वहां से बीमारी आई है विदेश से ये। और जिनको ये बीमारी है, ये नहीं है कि आपको अगर बीमारी है, आप कहीं जा रहे हो तो किसी और को नहीं होगी, तो किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। तो फिर बचाव रखें, अगर आपको थोड़ी बहुत भी समस्या घर में, फीवर या फिर जुकाम, देखिए आपको अगर जुकाम है, ठीक है, आपको जुकाम है, आपको खांसी है, और अगर आपको छींकें आ रही हैं बार बार, और आपको खांसी है, जुकाम है और फीवर भी है साथ में, अगर आपको तीनों चीज एक साथ हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज डॉक्टर को दिखाएं, अपना चेकअप करवाएं। उनका हेल्पलाइन नंबर है, आप वो ले सकते हैं गूगल पे डाल के, क्योंकि हेल्प कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको पूरी क्या कहते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, आप प्लीज फोन करें उन्हें अगर आपको ये समस्या है तो। लेकिन जिनको मतलब नॉर्मल खांसी, मतलब कि जैसे कहते हैं कि सूखी खांसी होती है, अगर आपको नॉर्मल खांसी है, फिर नॉर्मल फीवर है, तो आपको आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तो इसको वैसे अफवाह फैला रहे हैं कि यार कोरोना पर पता नहीं क्या कोरोना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए, अगर मानो तो नॉर्मल है, अगर नहीं मानो तो कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है।
लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काई जी नॉर्मल बीमारी नहीं है, लेकिन हम इसे नॉर्मल ले रहे हैं, खासकर इंडिया वाले इसको बहुत नॉर्मल ले रहे हैं यार। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, आप प्लीज नॉर्मल ना लीजिए इस बीमारी को। भीड़ भाड़ के इलाके जो होते हैं वहाँ पे ना जाएं, और जितना भी रहेगा गाइस आप ट्रेवल ना करें। अपने भाई बंधु अपने माता पिता को समझाएं कि ट्रेवल ना करें, क्योंकि गाइस ये नहीं पता कि यार कब किसको ये है बीमारी, तो नहीं मालूम है, क्योंकि इसका पता 4-5 दिन के बाद मालूम पड़ता है, साथ साथ में मालूम नहीं पड़ता बीमारी किसको है किसको नहीं है। नहीं, जब 4-5 दिन हो जाते हैं तब मालूम पड़ जाता है कि बीमारी है या नहीं है, साथ साथ मालूम नहीं पड़ता। तो यार किसी को नहीं कह सकते किसको है बीमारी किसको नहीं है। हम सोचते हैं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, हम तो अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है यार, बीमारी सबके लिए सेम है। देखिए गाइस, इस बीमारी से आप सबको लड़ना है, हम सबको लड़ना है, अगर हम चाहेंगे इस बीमारी को खत्म हम कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट का साथ देना है। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे फोटोज कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक मास्क आता है, आपको ये मास्क खरीद लेना है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मास्क प्लीज आप खरीद लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये कोरोना वायरस के फोटोज आप देख रहे हैं, ये बीमारी हमारे जो इंडिया में आई हुई है कोरोना वायरस की। ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है, लड़ना है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। ठीक है, 22 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा, आपको उसमें साथ देना है सबका, कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है 22 तारीख को, मतलब कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपस में दो हाथ मिला रहे हैं बंदे। ठीक है, तो गाइज आपको हाथ बिल्कुल ऐसे नहीं मिलाना है, आपको दूर से नमस्ते कर लेना है सबको, आपको हाथ बिल्कुल नहीं मिलाना है, ध्यान दीजिएगा मेरे मेरे दोस्तों मेरे भाइयों इस बात पे, आपको हाथ नहीं मिलाने हैं आपस में। ठीक है, आप 2 महीने 1 महीने नमस्ते करके रह लीजिए, लेकिन हाथ मत मिलाइएगा, क्योंकि आज हाँ एक दूसरे के मतलब कि कांटेक्ट में आने से बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसलिए आप हाथ मत मिलाइए किसी से, और अपनी फैमिली को समझाइए कि घर से बाहर ना जाएं। आपके बड़े से बड़े बिजनेस होंगे, बड़े से बड़े काम होंगे, काम जरूरी नहीं है यार, जान तो जहान है, इस बात को समझिए आप, जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं होगी तो आप क्या कौन सा बिजनेस करोगे, ये बताओ मुझे कौन सा बिजनेस करोगे। आपकी बहुत सारी गाड़ी की मारुति है, फिर आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खोल रखा है, तो क्या क्या फायदा है ऐसे बिजनेस का जिसमें आप होएगी नहीं। तो बताइए मुझे, इस बात का जवाब चाहिए मुझे आपसे, नहीं है ना जवाब। तो ध्यान दीजिए, अपने पापा मम्मी को समझाइए कि पापा मम्मी मतलब कि आप घर पे रहें, बाहर ना जाएं, कुछ दिनों की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि कोरोना पता नहीं क्या है, अरे यार हम सब इससे लड़ सकते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए। अगर हम ये सब जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये सब करते हो तो आप इससे आराम से बच सकते हो। ठीक है, ये ज्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा इसको बड़ी बना रहे हैं, और वैसे नॉर्मल भी नहीं है। ठीक है, और गाइस देखिए, जब आप छींकते हो तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब आप छींकते हो ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक तो अपने पास रुमाल रखें, खासकर जितने भी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासकर आप रुमाल रखें आप छींकते समय, क्योंकि ज्यादातर ये बुजुर्ग लोगों को भी हो रहा है, वो तो सबको ही रहा है ये वायरस जो है, लेकिन बुजुर्ग लोग को ज्यादा हो रहा है यार। ठीक है, तो प्लीज अपने पास रुमाल रखें, आप ध्यान दें कि जब छींकते समय आपके छींटे किसी और बंदे पे ना पड़े, किसी और पर्सन पे ना पड़े, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। और जब आप छींकते हैं अपने हाथ मतलब कि ऐसे ना छींके जैसे कि किसी भी आपके जो वायरस नाम के जो पदार्थ है वो किसी और पे गिर जाए, ऐसे छींके कि किसी को मतलब सिर्फ किसी को फर्क ना पड़े उनसे। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आपको रुमाल अपने पास रखना है गाइस। ठीक है, तो फ्रेंड्स से आगे देखिए गाइज, ये हाथ धोने के लिए, गाइज देखिए आपको हाथ धोने हैं, अपने अच्छे से वॉश करने हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर 5 मिनट में अपने हाथ धोते रहो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं बाहर गए हो, दुकान से सामान लेने गए आप, ठीक है, तो आप घर पे आ गए, तो घर पे आते ही अपने हाथ धोने हैं बिल्कुल अच्छे से, साबुन लगा के बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो अच्छे से साबुन से हाथ धोने हैं गाइज। अगर आप ये सब करते हो आप यकीन मानिए आप इस वायरस से बच सकते हो, आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन गाइज अगर अगर गाइज आप सावधानी नहीं बरतोगे तो यार हम सब इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो प्लीज यार मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है यार कि आप प्लीज थोड़ा सावधान रहिए, ज्यादातर भीड़ में ना जाइए, और अपने हाथ धोते रहिए, अपने हाथों को अच्छे साबुन से वॉश करें। ठीक है, और ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में मत आइए, कुछ ही दिन की बात है गाइज, अपने घर वालों को समझाए, खुद भी समझे, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, और 22 मार्च को आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के सबसे कि यार प्लीज आप अपने घर से बाहर मत निकलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, क्योंकि मैं और जितना उसके वीडियो को शेयर करना यार, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो शेयर हो गाइज, वो आपके ऊपर डिपेंडेड, आप इस वीडियो को कितना शेयर करो कितना शेयर नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, मैं नहीं कहता कि शेयर करो, अगर आपको अच्छी लगती है न्यूज तो शेयर करना यार, वरना मत करना, डिसलाइक कर देना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि यार कोई बीमार ना हो, प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन पे प्लीज गौर करना, उन पे ध्यान देना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड थैंक यू सो मच, हमेशा हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।